हमारा ब्रह्मांड कई तरह के रहस्यों से भरा हुआ है और दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगी हुई हैं, लेकिन सुलझने के बजाय यह और ज़्यादा उलझ जाता है। वैसे तो हम हमारे सौरमंडल में मौजूद लगभग सभी ग्रहों पर अंतरिक्ष मिशन भेज चुके हैं और इनके बारे में करीब से जान चुके हैं, लेकिन हमारा सूर्य अभी भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। सूर्य से इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है कि कोई उपकरण इसके ज़्यादा करीब नहीं जा पाता है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सूर्य को करीब से जानने के लिए एक मिशन तैयार किया और इसे सोलर ऑर्बिटर मिशन नाम दिया। सोलर ऑर्बिटर ने सूर्य की अब तक की सबसे साफ तस्वीर पृथ्वी पर भेजी है, तो आइए इस तस्वीर के जरिए हम अपने सूर्य को और नज़दीक से जानते हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा सोलर ऑर्बिटर मिशन 9 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के 3 महीने बाद यानी कि जून में यह सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचा और इसी दौरान ही यह तस्वीर खींची गई है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में ये सूर्य की सबसे नज़दीकी तस्वीर है। इन तस्वीरों के माध्यम से वैज्ञानिकों को सूर्य के एटमॉस्फेयर लेयर को जानने में काफ़ी मदद मिलने वाली है, लेकिन ESA के वैज्ञानिकों का कहना है हमें जो उपलब्धि हासिल हुई है यह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते 1 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए जर्मनी पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया था। कोरोना वायरस के चलते पहली बार हमने ऑटोमेटिक काम करने वाले उपकरणों को घर से ही कंट्रोल किया। 15 जून को सोलर ऑर्बिटर मिशन सूर्य के सबसे नज़दीक यानी कि 40 मिलियन मील की दूरी पर था। इसी समय सोलर ऑर्बिटर मिशन के 10 उपकरणों को ऑन किया गया और सूर्य की सबसे नज़दीकी तस्वीर ली गई। सोलर ऑर्बिटर मिशन में तस्वीर लेने वाले 6 उपकरण लगे हुए हैं जो सभी अलग अलग तरीके से सूर्य का अध्ययन करते हैं। स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजी गई पहली तस्वीर से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि सभी उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों ने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था, क्योंकि पहली बार सूर्य में सोलर विस्फोटों के साथ छोटे छोटे डॉट भी दिखाई दिए। इन तस्वीरों में जो छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा कैंप फायर नाम दिया गया है। सूर्य में हर समय सौर ज्वालाएं उठती रहती हैं, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने सूर्य की इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा इसमें हर जगह यह कैंप फायर मौजूद हैं जो लाखों गुना छोटे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह छोटे कैंप फायर सूर्य में होने वाले वह नैनो विस्फोट हैं जो सूर्य के बाहरी हिस्से को इसके सरफेस से 300 गुना ज़्यादा गर्म करते हैं। सोलर ऑर्बिटर में लगे हुए पोलर मैट्रिक और हीलियोसिस्मिक नामक 2 उपकरणों ने सूर्य का एक डाटा तैयार किया है जिसमें सूर्य के नज़दीक उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को देखा जा सकता है। इस ऑर्बिटर में लगे हुए अन्य उपकरण C2 और सोलर विंड एनालाइजर ने सूर्य के सोलर विंड का अध्ययन कर स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर उत्पन्न होने वाले वातावरण को रिकॉर्ड किया है। सोलर विंड में हैवी आयंस कार्बन ऑक्सीजन सिलिकॉन और आयरन की मौजूदगी पाई गई है। सोलर ऑर्बिटर एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव मिशन है। यूरोपियन स्पेस ऑपरेशन सेंटर जो कि जर्मनी में स्थित है वह सोलर ऑर्बिटर को ऑपरेट करता है। सोलर ऑर्बिटर को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें 10 उपकरण लगे हुए हैं जिसमें से 9 यूरोपियन स्पेस एजेंसी के और 1 नासा का है, जो बाकी के 3 उपकरणों को सेंसर और हार्डवेयर देने का काम करता है। दोस्तों उम्मीद है कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया यह मिशन भविष्य में सूर्य के कई और अनगिनत राज खोलेगा जिससे हम अपने सोलर सिस्टम की सबसे जटिल चीज़ यानी कि सूर्य को और नज़दीक से समझ पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।